अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, किचन लज़त में आपका इस्तकबाल है। और आज हम यहाँ तैयार कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छी स्मूथी, जो कि बहुत बेनिफिशियल है और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी है इसके अंदर। साथ ही साथ जो है ये बहुत लजीज भी है। और ये है कोकोनट स्मूथी। कोकोनट स्मूथी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक फ्रेश कोकोनट लिया है। इसका देखिए, मैंने यहाँ पर इसका निकाल लिया है इसके शेल में से, और अब मैं इसको बारीक काटूँगी। देखिए, फ्रेश कोकोनट को हमने काट के अब इसको मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है, और इसकी हम एक स्मूथी बनाएंगे। पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखिए, इसको मैंने ग्राइंड किया है और अभी मैं इसको छान लूँगी। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये कोकोनट स्मूथी बनके तैयार हो गई है, और इसको मैं गार्निश कर रही हूँ फ्लेक्स से, कोकोनट फ्लेक्स से मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। आप इसको बनाइए, बहुत सारी बीमारियों में ये फ़ायदा करती है। इसको बनाकर पीना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। कोकोनट स्मूथी के बहुत सारे जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके जो फ़ायदे हैं, इसमें ब्लड प्रेशर को लो करता है, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रेंज में रखता है, इसमें जो फैट होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, मसल्स बिल्डिंग में काम आता है, ये फैट को रिड्यूस करता है, बॉडी फैट को, बैड फैट को, और इलेक्ट्रोलाइट्स रिच है, जो कि सुस्ती, नींद सी आने लगती है, गुनूदगी सी हो जाती है, इस सब के लिए जो है ये इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करता है, रोकता है इनको, और हमारे अंदर फुर्ती पैदा करता है। ये एक ऐसा बेनिफिशियल ड्रिंक है जो कि वेट लॉस में भी काम आता है और हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसके साथ ही साथ जो है ये कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीफ देता है, और सबसे ज़्यादा इसका फायदा ये है कि ये हार्ट हेल्थ को जो है इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ कोकोनट मिल्क स्मूथी में ख़ास तौर से कैल्शियम पाया जाता है अच्छी मिकदार में, विटामिन ए है, विटामिन B12, विटामिन BD भी इसके अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। दिन में कभी भी इसको ले सकते हैं, पी सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा एक ड्रिंक है, बच्चों को भी दे सकते हैं आप, हेयर ग्रोथ में भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। कोकोनट मिल्क जो है ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और इन्फेक्शन का जो चांसेस होते हैं उसको बहुत कम करता है, एक एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस है, साथ ही ये कैंसर के लिए भी बहुत फायदा करता है, साथ ही ये ग्लूकोज को के लेवल को भी कंट्रोल करता है, यानी डायबिटीज़ में भी बहुत फायदा करता है।